फतेहपुर जिले में मिशन शिक्षण संवाद का एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला के दौरान परिषदी विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों को किस तरीके से सरल एवं सुगम माध्यम से शिक्षित करते हैं उन मॉडलों को प्रस्तुत किया। उनका नाम ऐसे नहीं कि सिंपल सिंपल हमने बता दिया कि ये क्या है त्रिभुज, उनको एक पजल में कर दिया है ताकि बच्चे थोड़ा दिमाग का भी यूज करें अपने। तो जैसे ये है, मैं तो वो फलों का राजा, खाओ मुझको ताजा ताजा। अब बच्चों को पता होगा कि फलों का राजा क्या होता है, तभी वो आंसर करेंगे आम। तो थोड़े उनकी सहूलियत के लिए मैंने उसकी तस्वीर भी चिपका दी है। मान लीजिए कक्षा एक वाले बच्चों से बात कर रहे हैं, तब वो जान जाएंगे कि अच्छा फलों का राजा आम होता है। ऐसे ही मेरे दाने लाल लाल मुझको खाए मिठू लाल। किस फल के दाने लाल होते हैं बच्चों को पता है? अनार के दाने। जाने सभी मुझे खाए बड़े प्यार से, पत्तों का सेवन बचाए डेंगू बुखार से। तो अब बच्चों को जानकारी हो जाती है, अगर मैंने उन्हें एक बार नहीं बता पाया, मैंने बता दिया उन्हें कि ये पपीता है। अब बच्चों को जानकारी हो जाती है कि डेंगू बुखार से कौन बचाता है? पपीता। बच्चों को बच्चे बड़े आराम से बताते जाते हैं। आप बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करो तो बच्चे कभी इसको खराब नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, उसके बाद वो देखेंगे कि हाँ ये कैसे बन रहा है। इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब वो सीखते हैं, समझते हैं। उन्हें जो चीज, जो एक पद्धति चली आ रही थी रट्टा मार, तो वो चीज नहीं, बच्चे समझते हैं। समझने के बाद फिर उसको याद हो जाता है, इजिली मतलब हम इसको पढ़ा सकते हैं। मिशन शिक्षण संवाद से ये है कि ये शिक्षा के उत्थान और शिक्षक के सम्मान की बात होती है। शिक्षा का उत्थान जब होगा तभी शिक्षक का सम्मान होगा। तो इसलिए मिशन हमें एक प्लेटफॉर्म देता है कि जो अच्छे टीचर्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने काम को शेयर करते हैं और उन्हें देख करके दूसरे टीचर्स मोटिवेट होते हैं और साथ ही मतलब करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग एक से एक कड़ी बनते जा रहे हैं, कड़ी बनते जा रहे हैं और सारे टीचर्स अब इस समय अपने बेसिक में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।